आजो। आज बनी के बीच में मेरी मैया के प्रकृति के प्राणियों की के प्रकृति के प्राणियों की त्यागियों से प्रीत होती है, है? जिसका चरित्र उज्जवल होता है उसी की जीत होती है। यही नहीं मिलती है राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़ियों से कैसे बना तेरा आशियाना, तो चिड़िया बोली ये कितने का तिनका जुटाना पड़ता है। चिड़िया थोड़े थोड़े तिनके बना जुटा जुटा करके इकट्ठे कर लेती है, तब उसका घोंसला बन करके तैयार होता है। इस तरह के विचार करती हुई रानी सुनीति आज उस कुटिया के बीच में धीरे धीरे समय व्यतीत करने लगी। अब एक दिन वो आया कि बनी के बीच में प्रसव की पीड़ा में आज अपने परम पिता परमात्मा को पुकारती है। क्यों? जिसका संसार में दुनिया में कोई नहीं होता उसका सिर्फ भगवान होता है। जैसे कि पिता अपनी संतान को कितने भी परम पाप करके आए, कितना भी अधर्म करके आए, लेकिन फिर भी माँ और पिता अपने पुत्र को गले से लगा लेते हैं, है? क्योंकि उनकी ममता खत्म नहीं होती। लेकिन जब बुरा काम हो जाए तो हम लोग भगवान के ऊपर छाप देते हैं कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, है? और जब अच्छा काम बन जाए तो भगवान ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। लेकिन पिता जिस तरह से अपनी संतान को नहीं त्यागता, उसी प्रकार भगवान भी अपनी संतान को कभी नहीं त्यागता है। एक करुणामयी आवाज आज सुनीति की रानी की आज भगवान विष्णु के कानों में पड़ी। अब जब कानों में पड़ी है कि नहीं काज लोक लाज मैंने झोपड़ी में निवास करने लगी। धीरे धीरे जब समय व्यतीत हुआ, एक दिन राजा उत्तानपाद को शिकार की सूझी, घोड़े पर सवार हुए और घोड़े पर सवार होकर के धनुष बाण हाथ में लेकर के मंत्रियों को साथ में लेकर के जब शिकार खेलने के लिए जब चले हैं, जब चले तो शिकार खेलते खेलते उनको शाम हो जाती है। मेरी माताओं, मंत्री तो वापस चले आए, इधर सुरुचि ने भी इंतजार करते करते महल का फाटक बंद करवा दिया। जब देर में थोड़ी देर में राजा लौटे तो फाटक बंद मिला। अचानक राजा उत्तानपाद को अपनी बड़ी रानी सुनीति की याद आ गई। जब रानी सुनीति की याद आ गई तो राजा उत्तानपाद ने अपना घोड़ा रानी सुनीति की कुटिया की तरफ दौड़ा दिया है। जब कुटिया की तरफ दौड़ा दिया है और आवाज लगाई गेट पर जाकर के, तो आवाज सुन करके रानी सुनीति निकल करके आई और कहा, आप इतनी रात्रि के समय आपने मुझको याद किया है। कि तत्काल सुनीति उठी अपना घर देखो भालो तुम, जाती हूँ लो अपना मैं।
आगे जाओ मेरी बहन, अपने महलों को देखो भालो, लेकिन पीहर बापरे आंगन में एक पुत्र का जन्म होगा। तो उसी समय उत्तानपाद ने जवाब दिया कि रानी ऐसा ना करो, लेकिन हट पकड़ गई और कहने लगी है सुनीति कि पिया मेरी लियो बात मानी और मेरे होई वंश की हान। जे बुक शर्माती है रामा रामा कहवे को जे, जे बुक शर्माती है रबड़ी दूध मलाई को, रबड़ी दूध मलाई को जे लवर लवर खा जाती है रामा रामा कहवे को जे। हाँ, दूध मिल जाए, रबड़ी मिल जाए, मलाई मिल जाए, अच्छी अच्छी टिक्की समोसे यानी बना के अगर जेह मिल जाए तो बहुत दौड़ी दौड़ी खाती हैं। और क्या करती हैं ये दिव्या महारानी, जहाँ कहूँ देखे झगड़ा लड़ाई वहाँ दौड़ी दौड़ी जाती हैं, जहाँ कहूँ देखे कहीं पर झगड़ा हो रहा हो लड़ाई होती हो तो ये इतनी जल्दी दौड़ के जाती हैं और क्या करती हैं देखो। जहाँ कहीं देखें झगड़ा लड़ाई वहाँ दौड़ी दौड़ी जाती हैं, अपनी कहे न सुने और की, अपनी कहे न सुने और की बनन बनन बनाती है रामा रामा कहवे को जे, देखो क्यों शर्माती है। हाँ, अपनी कहती रहती हैं और दूसरे की सुनने वाली नहीं है। रामा रामा कहवे को जे, देखो क्यों शर्माती है रामा रामा कहवे को जे, देखो क्यों शर्माती है। कि मोने संग विदा और मांगी त्रपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमारी। इधर जैसे ही विदा भैया, सांड वाले भैया कहाँ चले गए, कहाँ खोए गए, जाता हो तुम चारों तरफ से
पति और प्रकाश दोनों, पति और प्रकाश दोनों जलने की शक्ति पाए। गुरुवर तुम्हें बताओ, विसरायो भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोको नाना भांति नचायो। ओ मैंने गज को पुकारो, करुण छोड़ के दायो, ओ मैंने गज ने पुकारो तो करुण सरोवर आयो। और जाय ग्रास संहारो सुन के भक्तन को पुकारो, भक्तन ने बोतो नहा नाबाद नचायो, भक्तन ने